हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स, द बेस्ट प्रेगनेंसी सेंटर चैनल। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाएं चाहे हाउसवाइफ हो या कामकाजी महिलाएं हो, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजी लाइफस्टाइल के चलते और हेक्टिक डेज के चलते महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कहीं ना कहीं अपना सही से ध्यान नहीं रख पाती हैं। दोस्तों, जैसे कि गर्भावस्था के 6 महीने कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है ये पता लगाना कि उनके गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसका वजन और विकास सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कई महिलाएं या यूं कह लीजिए कि आजकल ज्यादातर मामलों में गर्भ में शिशु का विकास 1 या फिर 2 हफ्ते पीछे चल रहा होता है, यानी कि समय के अनुसार उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता है, तो वाकई ये चिंता का विषय हो जाता है। आपकी अच्छी डाइट लेने के बावजूद, समय पर दवाइयां लेने के बावजूद भी अगर गर्भ में शिशु का विकास सही से नहीं हो रहा है तो इसका मेन कारण कहीं ना कहीं गर्भवती महिला का जो भोजन है उसका संतुलित ना होना हो सकता है। दोस्तों, अगर 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चे का वजन कम होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी के, और इससे बचने के लिए डॉक्टर 6 महीने के बाद माँ को अपने आहार में बदलाव लाने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स द्वारा आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन शिशु के विकास के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है प्रोटीन, और इसकी कोई भी दवाई डॉक्टर्स द्वारा नहीं दी जाती है। प्रोटीन गर्भ में शिशु का वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। तो इसलिए अगर आपके गर्भ में शिशु का वजन कम है या फिर वजन नहीं बढ़ रहा है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए, और साथ ही ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी जो कि शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दूध की। दोस्तों, दूध जो होता है गर्भावस्था के दौरान बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये गर्भ में शिशु के लिए तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही माँ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दूध के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो अगर आपके गर्भ में शिशु का वजन कम है तो आप रोजाना 2 ग्लास दूध जरूर पीजिए। आप सुबह नाश्ते के टाइम में 1 ग्लास दूध पी सकते हैं और रात को रोजाना 1 ग्लास दूध आप ठीक सोने से पहले पी सकते हैं। दूध में अगर आप किसी तरीके का कोई प्रोटीन पाउडर मिला के पीते हैं तो इससे दूध की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मदर हॉर्लिक्स को रोजाना दूध में मिलाकर पिया करती थी और इसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं अभी तक भी मदर हॉर्लिक्स पीती हूँ। मदर हॉर्लिक्स में वो सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि गर्भ में शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। मदर हॉर्लिक्स में हाई प्रोटीन होता है जिससे कि गर्भ में शिशु का वजन बढ़ता है, और यही नहीं, इसमें इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कि आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि गर्भ में शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मदर हॉर्लिक्स में DHA और कोलिन भी होता है जो कि गर्भ में शिशु के दिमाग के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप भी अपनी गर्भावस्था को हेल्दी बनाने के लिए मदर हॉर्लिक्स जैसे हेल्दी ड्रिंक्स को जरूर पीजिए, और इतना ही नहीं, आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकती हैं क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको शिशु को अगर स्तनपान कराना हो तो ये जो है आपके दूध की क्वालिटी को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। मेरी बेबी अभी भी मदर फीड करती है तो मैं रोजाना ये हेल्दी ड्रिंक पीती हूँ ताकि मेरे बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है और मेंटल ग्रोथ है वो काफी अच्छे तरीके से हो। तो ज्यादातर मैं इसे ऑनलाइन मंगाती हूँ। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो भी आप इस हेल्दी ड्रिंक को पी सकती हैं क्योंकि इसमें कोई भी एडिड शुगर नहीं है। इसके अलावा आप दही का सेवन कर सकती हैं। दही में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप अंडा खाती हैं तो अंडा भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है गर्भावस्था के दौरान। अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और ये गर्भ में शिशु का जो वजन कम रह जाता है, विकास धीमी गति से होता है, इसे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। तो आप रोजाना 2 से लेकर 3 उबले अंडे खा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अंडे का सिर्फ व्हाइट वाला पोर्शन खाना है, येलो पोर्शन आपको नहीं खाना है, क्योंकि जो येलो पोर्शन होता है उसमें होता है फैट और जो व्हाइट पोर्शन होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इसलिए आप अंडे का सफेद भाग खाएं, पीले भाग को अवॉइड करें, अदरवाइज आपका बेवजह वजन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खा सकती हैं, मीट खा सकती हैं, मछली खा सकती हैं। ये तीनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं आपकी गर्भावस्था के दौरान। इन सभी चीजों में हाई प्रोटीन होता है और इन्हें खाने से गर्भ में शिशु का वजन भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ता है। लेकिन दोस्तों,
मछली खाते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मछली में मरकरी यानी कि पारा होता है, तो अधिक पारे वाली मछली आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में शिशु का जो दिमाग होता है उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो इसलिए आपको पारे वाली मछली खाने से इस दौरान बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, दालों में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो आप दालों का सेवन अपनी डाइट में बढ़ा सकती है। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, इसमें आप अखरोट खाइए, काजू खाइए, बादाम खाइए, जिसमें कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और इससे आपके गर्भ में शिशु का विकास एकदम अच्छे तरीके से होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। अगर आपके गर्भ में शिशु का वजन नहीं बढ़ रहा है या फिर विकास सही से नहीं हो रहा है, तो आप इन टिप्स को फॉलो करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल बटन भी प्रेस करें नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी।